वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए भारत में पूरी तेजी के साथ काम हो रहा है। कोरोना पर बहस का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना की 30 वैक्सीन पर काम हो रहा है। इसमें से 3 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न चरणों में है, जबकि 4 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल से पहले की अवस्था में है। उन्होंने कहा, कोरोना मामलों में अचानक वृद्धि की मुख्य वजह लोगों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। लोगों ने अनलॉक का गलत मतलब समझा और पूरी तरह से लापरवाह हो गए। इससे पहले अपने संडे संवाद कार्यक्रम में लोगों से बातचीत करते हुए हर्षवर्धन ने कहा, भारत में कोरोना में उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया है। ICMR लोगों के लार से कोरोना जांच की संभावनाएं तलाश रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार दोबारा संक्रमित होने वाले लोगों के आंकड़े एकत्र करने पर विचार कर रही है। इससे पहले हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा था कि भारत भी अन्य देशों की तरह ही वैक्सीन बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में भारत में वैक्सीन उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि बीते कुछ महीने से राज्य और केंद्र की सरकारें कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। 7 जनवरी को WHO से सूचना मिली थी कि चीन में कोरोना का केस मिला है। हमने 8 जनवरी से बैठकें शुरू कर दी। इतिहास इस बात को लेकर पीएम मोदी को याद करेगा कि कैसे लगातार 8 महीने तक उन्होंने कोरोना को लेकर हर एक्शन पर नजर रखी है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।